अनाप शनाप भाषणों के किंग हैं, और मैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे लोग, फेसबुक पे लोग जो मेन पेज चलाते हैं उनके लिए बहुत ही एक बड़ा कंटेंट मटेरियल है। मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल जी जब से उनके साथ जुड़े हैं तो उस रेस में उनके साथ साथ पीछे जाना चाह रहे हैं। उस इमोशन को छोड़कर उनको यहाँ आना पड़ रहा है, अपना सारा व्यवसाय छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है, शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। देखिए ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनके घरों से उनकी बहू बेटियों उठाकर ले जाया जाता है और एक बुड्ढे से उसकी शादी कर दी जाती है, बहुत अपमानजनक, इतना अपमानजनक होगा उस बाप के लिए जिसने अपनी बेटी को ये दिन देखने के लिए बड़ा करा था। मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक खत्म कर जो उनको एक तरह से राहत दी थी, ठीक है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार मोदी सरकार को कहते हैं। और देखिए केजरीवाल जी की जहां तक बात रहती है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो सिर्फ वोटों की राजनीति से मतलब रख रहे हैं, क्योंकि के लिए कोई, जैसे अभी मैंने ट्रिपल तलाक की बात करी, कश्मीर में 370 हटाई, ये सब देखो मुस्लिम भाईचारे को फायदे पहुंचाने वाली बात थी। सीए में जब हमारे दूसरे भाईचारे यहाँ पर आ रहे हैं और फायदा ले रहे हैं, तो उसमें मेरे को नहीं समझ आता कि केजरीवाल जी को तकलीफ क्या। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट धर्म विचारवान। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है रमनजीत सिंह मीता जी, और हम लोग पहले भी कई बार आपको इनसे मिलवा चुके हैं। दिल्ली की युवा राजनीति में इनका बहुत बड़ा सहयोग है, और आज हमने इनको बुलाया कि कुछ खास बातें हमें करनी थी हमारे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को लेके, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली क्या मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान की राजनीति में एक भूचाल सा ला रखा है अपने अनाप शनाप बयानों के चलते भी। अभी आप सभी को पता है कि हमारे जो देश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मोदी जी की, उन्होंने अभी CAA लागू कर दिया है, जिसको लेके इन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसानियत के लिए भी गलत है। एक तो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोली कि जो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं वो सबके सब बलात्कारी हैं और सबके सब चोर अपराधी हैं, अगर वो यहाँ हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो यहाँ भी वही करेंगे। पहली बात तो ये कि इस CAA के कानून के तहत कोई इंडिया में आ नहीं रहा है, ये कानून उनके लिए जो ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं, जो आ चुके हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि कनाडा ने भी हिंदुस्तान की तरह अपने जो देश के अंदर लोगों को सिटीजनशिप दी थी, जिसके बाद वहाँ कई लोगों ने जाकर वहाँ पे अराजकता मचा दी और उनकी अर्थव्यवस्था ख़राब कर दी। जबकि केजरीवाल जी को मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा कनाडा के अंदर हमारे हिंदुस्तान रहते हैं और सिख समुदाय के लोग रहते हैं, जिसको लेकर मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे सिख समुदाय का अपमान भी किया है। तो प्रिंस जी मैं ये जानना चाहूंगा, जिस तरह के अनाप शनाप आजकल जो बयान दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी CAA को लेकर, इसके बारे में आपकी अपनी क्या राय है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ CAA को लेकर नहीं, ये अनाप शनाप बयान बहुत लंबे समय से देते आ रहे हैं, और मैं बोलूंगा उसमें इनका कसूर नहीं है। इन्होंने जिनके साथ अपना नया नया गठबंधन करा है, ये उनकी संगति का असर बोलूंगा, जो हमारे देश के माननीय राहुल गांधी जी हैं जो अनाप शनाप भाषणों के किंग हैं, और मैं जो हमारे इंस्टाग्राम पे लोग, फेसबुक पे लोग जो मेम पेज चलाते हैं उनके लिए बहुत ही एक बड़ा कंटेंट मटेरियल है। मेरे को लगता है अरविंद केजरीवाल जी जब से उनके साथ जुड़े हैं तो उस रेस में उनके साथ साथ पीछे जाना चाह रहे हैं, कि वो कहीं उनसे पीछे ना रह जाएं, और भाग कर उनसे आगे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान देते जा रहे हैं। पर उनको ये समझने की ज़रूरत है कि इन बयानों के पीछे की जो संगीनता है, जो इन बयानों की सीरियसनेस है, जो इमोशंस तक को हर्ट कर रही है लोगों के, वो बहुत गलत है। CAA का कानून सबसे पहले तो भारत सरकार ने हमारे उन भाइयों के हालातों को देखते हुए बनाया गया, जिसमें उनको दूसरे देशों में, इस्लामिक देशों में और देशों में जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें उनको जब धार्मिक तौर पर उत्पीड़नता की गई, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैं अपने सिख भाइयों की बात कर लेता हूं, अफगानिस्तान से बहुत सारे सिख भाई हमारे दिल्ली में भी रहते हैं, बहुत सारे कारोबारी भी हैं, करोल बाग मार्केट में अगर जाते हैं तो वो बहुत सारे हमारे सिख भाई ऐसे हैं जो वहां पर पिछले लंबे समय से अपने मोबाइलों का व्यवसाय चला रहे हैं और बहुत सारा काम इस देश के लिए कर रहे हैं। देखिए वो लोग अफगानिस्तान छोड़कर अपने घरों को, करोड़ों रुपए की अपनी संपत्ति को छोड़कर भारत में आए क्यों आए? क्योंकि वहां पर उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया जा रहा, उनको फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन नहीं दी जा रही। उनके धर्म पे, हमारे धर्म ग्रंथों पे मुझे याद है कोविड में मोदी जी ने स्पेशल एक
फ्लाइट भेजकर सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी जिसके सूत्रधार रहे थे, एक फ्लाइट स्पेशल भेजकर हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनको वहां से यहाँ लाया गया था। ये देखिए, ये हमारे लिए ना एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि उन देशों में जहां पर हमारे धर्म ग्रंथ नहीं स्टेबल, हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर अटैक करा जाता है, हमारे धार्मिक स्थानों पर अटैक करा जाता है, वहां पर हमारे लोगों के साथ, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जब 1947 में पाकिस्तान में विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तब उस समय पे एक बहुत बड़ी संख्या हिंदू और सिखों की पाकिस्तान में रहती थी। पर आज शर्म की बात है, वहां की सरकार के लिए भी, वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाली जितनी भी संस्थाएं एजेंसीज है उनके लिए भी, कि वहां पे कुछ हजारों में गिनती के सिख भाई रह गए हैं या हिंदू भाई रह गए हैं। उन सबको इतना उत्पीड़न दिया गया, इतना परेशान किया गया कि उनको मजबूर होकर भारत की तरफ अपना सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। देखिए, एक ना इमोशन होता है जब हम एक घर बनाते हैं, उसकी एक एक ईंट हमारा इमोशन होता है, उस इमोशन को छोड़कर उनको यहाँ आना पड़ रहा है, अपना सारा व्यवसाय छोड़कर यहाँ आना पड़ रहा है, शुरू से शुरू करना पड़ रहा है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। देखिए, ये आज के जमाने में बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, ये वो कंडीशन है जिसमें आदमी फाइनेंशियली तो वीक हो ही रहा है, अपना इमोशन, अपना सब कुछ, वो अपना बिल्कुल एक समझ लो कि वही आप वाली बात है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है। रणवीर जी, आप एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, हम लोग भी जनता के बीच में रहते हैं, एक जब हम, चाहे मैं हूँ चाहे आप है, आपने भी ये चैनल जब स्टार्ट करा होगा, आपने स्क्रैच से स्टार्ट करा, बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस चैनल को बनाया, आपके पास एक व्यूज का कोई सब्सक्राइबर नहीं था, कुछ नहीं था। आज एकदम से अगर आकर कोई बोले धर्मवीर जी आपके ऊपर बंदूक रखे और आपको बोले आप मेरे को अपने चैनल में हिस्सा दो, नहीं तो आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपको गोली मार दी जाएगी, आपके लिए कितनी इमोशनलेस, इमोशन वाली बात है। इसके साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ये आपकी रोजी रोटी है, इससे आप काम कर रहे हैं, इससे आपकी समाज में इज्जत है, इसमें आपके घर, इसका घर चल रहा है, ठीक है जी। अगर आप एक चैनल के साथ इतना जुड़े हुए हैं तो आप ये सोचिए कि जिनके घरों से उनकी बहु बेटियों को उठाकर ले जाया जाता है और एक बुड्ढे से उसकी शादी कर दी जाती है, बहुत अपमानजनक, इतना अपमानजनक होगा उस बाप के लिए जिसने अपनी बेटी को ये दिन देखने के लिए बड़ा करा था। बिल्कुल, उस बाप से पूछो उसके दिल पे क्या बीतता, उनके उनके घरों में क्या खाना नहीं बनता था, उनके घर वाले मतलब सुसाइड कर लेते थे कि शर्म के मारे, क्योंकि स्वाभिमानी लोग हैं, बचपन से उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाई हैं कि ये अच्छा होता है बुरा होता है, और उन्हीं के बच्चों को अगर हम उठाकर लेकर जाकर ये सब घिनौनी हरकतें करेंगे तो भाई उनके काम नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात है, केजरीवाल जी के साथ एक बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जो उनके साथ ये समस्या है वो ये है कि उनको ज्ञान नहीं है चीज़ों का। अब वो हर बार सीईओ को लेके ये कह रहे हैं कि बाहर से मुसलमान आ जाएंगे, पहली बात ये मुसलमानों के लिए है ही नहीं, दूसरी बात ये कि बाहर से कोई नहीं आ रहा है, जो यहाँ हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हीं के लिए कानून लाया गया है। देखिए, मुसलमान भी हमारे भाई हैं, बिल्कुल, हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, मोदी जी ने हमारी जो भारत की सरकार है उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक खत्म कर जो उनको एक तरह से राहत दी थी, ठीक है, उसके लिए भी हम जिम्मेदार मोदी सरकार को कहते हैं। और जो हमारे सिख भाई जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आकर इस देश में बस रहे हैं, इस देश की व्यवसाय, इस देश की इकोनॉमी में जो मदद कर रहे हैं, हम उसके लिए भी जिम्मेदार मोदी सरकार को कहते हैं और उनका लाख लाख धन्यवाद भी करते हैं। देखिए, केजरीवाल जब जी की जहां तक बात रहती है ना, वो एक ऐसे व्यक्ति हो चुके हैं जो सिर्फ वोटों की राजनीति से मतलब रख रहे हैं, वो दिल्ली वालों को भी पता लगा, बिल्कुल, देश में क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, कल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है, अब उनको सिर्फ वोट बैंक नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। वोट बैंक के लिए वो इंसान, वो व्यक्ति उनके साथ भी जाकर खड़ा है जिनके लिए वो अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाता था कि मैं इनके साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगा। आज उन लोगों के साथ खड़े हैं कि जिनको बोल, बुरा बोल बोलकर उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी करी, चाहे वो दिल्ली है चाहे वो पंजाब है, दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस को गलत बोला, उनके खिलाफ बोल बोलकर अपनी पार्टी को खड़ा करा। आज उसी कांग्रेस के साथ वो गठबंधन में, महागठबंधन में खड़े हैं, दिल्ली में, पंजाब में, सब जगह मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए कितनी शर्म की बात है, जिन सिखों ने उनको 92 सीटें जिताई पंजाब में, जिन सिखों की वोटों से वो यहाँ तक पहुंचे पंजाब में, आज अगर वो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं तो वो पंजाब सरकार की देन है, और वो पंजाब के उन्हीं सिख भाइयों को, पंजाबी भाइयों को
मुसलमान भाइयों को आंसरेबल है, हिंदू भाइयों को आंसरेबल है, जिनके टैक्स के पैसे से वो गाड़ी आई है। आज जब सीए का कानून आता है वो किसके लिए आता है? वो उन्हीं भाइयों के लिए आता है जो दूसरे देशों से उत्पीड़ित होके यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हमारे सिख भाई हैं चाहे हिंदू भाई हैं। ठीक है, अगर वो इस देश में आ रहे हैं और इस देश में जब वो पहुंच रहे हैं और सरकार यहाँ की उनके लिए एक काम कर रही है, रेफ्यूजी को यहाँ पे बसाने का, उनको यहाँ की नागरिकता देने का काम कर रही है, तो उसमें केजरीवाल जी को तकलीफ क्या? क्यों तुम उनके बारे में गलत कमेंट्स दे रहे हो? बिल्कुल, और हमने अपनी एक वीडियो में भी ये बात बोली थी कि अगर पाकिस्तान से कोई हिंदू परिवार अगर वहां से पीड़ित हो गए हैं, हिंदुस्तान में आ रहा है, तो उनको नागरिकता देने में क्या क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात है, बल्कि मैं ये तो हम एक तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं हम लोग। देखिए, हम मैं थोड़ी ना बात खुलकर कर लेता हूँ। जब भारत का विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग के जो उस टाइम के लीडर थे श्री जिन्ना जी, ठीक है जी, श्री नहीं पर वो जिन्ना जी ही कहूंगा उनको, ठीक है, बड़े थे हमसे, हमसे बड़े थे, आदर देना हमारा काम है, बिल्कुल। और उस समय पे उनकी कम्युनिटी की अगुवाई करते थे, हमारा देखो किसी कम्युनिटी से कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जिन्ना जी ने उस टाइम पे मुस्लिम्स के लिए एक अलग से देश मांगा था, पाकिस्तान, लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको वो देश दिया, उनकी पूरी कम्युनिटी वहां रही, फिर भी भारत में उनको कभी ये नहीं बोला गया कि आप यहाँ से चले जाओ। आज भी अगर कोई रिफॉर्म्स होते हैं किसी कम्युनिटी के लिए, कोई जैसे भी मैंने ट्रिपल तलाक की बात करी, कश्मीर में 370 हटाई, ये सब देखो मुस्लिम भाईचारे को फायदे पहुंचाने वाली बात थी। सीए में जब हमारे दूसरे भाईचारे यहाँ पर आ रहे हैं और फायदा ले रहे हैं, तो उसमें मेरे को नहीं समझ आता कि केजरीवाल जी को तकलीफ क्या। या तो कोई एक स्पेसिफिक भाईचारे वालों के वोट को खुश, वोट बैंक को खुश करने के लिए वो ये राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जिन सिखों ने, जिन पंजाबियों ने, जिन हिंदुओं ने उनको दिल्ली में और पंजाब में सरकार बना के दी, अगर आप उन्हीं के बारे में गलत रिमार्क्स देंगे, आप ये बोलेंगे कि जब वो बाहर से आएंगे यहाँ पर आकर वो यहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको खराब करेंगे, वो यहाँ पर आकर रेप करेंगे, वो यहाँ पर आकर लोगों के घर लूटेंगे। कोई यहाँ पर डाकुओं को, डकैतों को थोड़ी दे रहे हैं। और क्या हमारे देश के कानून व्यवस्था नहीं है इसका मतलब? बिल्कुल, और यही वो केजरीवाल जी हैं जो एक समय पे कहते हैं कि रोहिंग्या मुसलमान अगर भारत में आ रहे हैं तो सरकार का फर्ज बनता है कि आप उनको घर दो, आप उनको यहाँ पे नागरिकता दो, यहाँ पे आप उनको रहने के लिए व्यवसाय दो। और जब दूसरे किसी धर्म से, विशेष धर्म से, हिंदू धर्म से, सिख धर्म से अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, तो इनको उस चीज से प्रॉब्लम क्यों है? क्यों ये हमारे इस सेक्युलर देश में, एक सेक्युलर समाज में, ये क्यों हिंदू मुस्लिम करवाना चाहते हैं, ये क्यों सिख मुस्लिम करवाना चाहते हैं? इनकी मंशा क्लियर नहीं है, ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में, क्योंकि दिल्ली की जनता को भी अब ये धीरे धीरे समझ आ चुका है कि एक जो वोट बैंक की राजनीति के लिए जो पॉलिटिक्स करी जा रही है, वो अब धीरे धीरे इनका असली चेहरा सामने आता जा रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जैसा कहते हैं वैसा करते नहीं है, और जो करते हैं वो घोटाले ही होते हैं। तो आज के टाइम में इनका मोटिव यही है कि किसी भी तरह सत्ता में आ जाओ, अपनी राजनीति चमका लो, चाहे से हिंदू मुसलमान सिख आपस में इनको लड़वा दो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। जो अनाप शनाप बिना तथ्यों के, बिना जानकारी के कुछ भी बोल देते हैं। तो हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप देखिए, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है आप किसको वोट देते हैं, परंतु जिसको भी दे सोच समझ के दे कि उसने क्या वादे किए थे और कितने पूरे किए थे। तो प्रिंस जी के साथ हम लगातार बने रहेंगे और इनसे जुड़ी, राजनीति से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बस हमारा एक निवेदन है आपसे कि हमारे साथ बने रहें, और चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करें, बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।